पटना से न्यू जलपाईगुड़ी जा रही कैपिटल एक्सप्रेस से 30 मई की रात को एक महिला गायब हो गई। करीब एक घंटे बाद पति की नींद खुली तो सीट पर पत्नी नहीं थी। पूरी ट्रेन छान मारी लेकिन पत्नी का कहीं पता नहीं चला। हार कर कटिहार में पति ने चलती ट्रेन से पत्नी के लापता हो जाने की खबर लिखवाई। 24 घंटे से भी ज्यादा हो चुके हैं लेकिन लापता महिला का पता नहीं चला है। बिहार में चलती ट्रेन से महिला लापता। महिला को यमी खा गई या आसमान निकल गया? चलती ट्रेन से एक शादीशुदा महिला कहां लापता हो गई? इस सवाल का जवाब वारदात के एक दिन बाद भी बिहार पुलिस नहीं खोज पाई है। पटना के रहने वाले तथागत कुमार की पत्नी 31 मई की रात से कैपिटल एक्सप्रेस से गायब है। कैपिटल एक्सप्रेस से हम लोग वहाँ राजेंद्र नगर से निकले थे, 10:45 में खुली थी 132489 नंबर। तो उसके बाद हम लोग एक घंटे जगे, उसके बाद सोने के बाद सोने चले गए अपने अपने बर्थ पे। उसके बाद जब उठे तो हम देखे कि मिस हैं। तथागत कुमार और उनकी पत्नी पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल से A1 कोच में चढ़े थे और पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी जा रहे थे। 30 मई की रात करीब 11 बजे कैपिटल एक्सप्रेस राजेंद्र नगर से रवाना हुई थी। 31 मई को रात करीब 1 बजे मोकामा पहुंची। मोकामा में तथागत कुमार की पत्नी सीट पर नहीं मिली। खोजबीन किए, TTUT से सबसे पूछे, इसमें काफ़ी समय लग गया और वो बाथरूम के पास भी हम देखें कहीं हो सके, इधर उधर मिस कर गए। फिर कटिहार जंक्शन पर उतर गए और यहाँ रेलवे GRP में कंप्लेन किए भाई कि वो हमारी वाइफ है जो मिसिंग है। तथागत कुमार इलाहाबाद बैंक में मैनेजर हैं और पटना में रहते हैं। पटना में ही उनका ससुराल भी है। तथागत का कहना है कि वो पत्नी के साथ गंगटोक घूमने जा रहे थे और घूमने का प्रोग्राम भी उनकी पत्नी ने ही बनाया था। तथागत का आरोप है कि AC कोच में होने के बावजूद कई संदिग्ध लोग बेझिझक कोच में आ रहे थे। कोच की कई महिला यात्रियों ने इसकी शिकायत भी की थी। तथागत को शक है कि किसी ने उनकी पत्नी को अगवा कर लिया है। कोई ऐसे लोग हैं, कुछ रिवॉल्वर भी उड़ा लिए हो या कुछ कहीं उतरी हो, पानी नहीं लेने मिस कर गए। लेकिन उतरने पे तो फ़ोन तो ज़रूर करना चाहिए था, नंबर तो किसी को कॉन्टैक्ट करते तो ज़्यादा चांस लग रहा है कि कहीं कोई अपराधी तब कहाँ था ना हो। ट्रेन से बेटी के लापता हो जाने की खबर से परिवार सदमे में है। परिवार समझ नहीं पा रहा कि क्या करे। चलती ट्रेन में सवेरे हमारे दामाजी का फ़ोन आया कि मेरी बेटी जो है मैं ट्रेन में नहीं मिल रही है, और वो खोजते हुए कटिहार तक आए लेकिन कटिहार आने के बाद यहाँ थाना में फिर पुनः उन्होंने शिकायत दर्ज की। बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं ने रेल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। कटिहार पहुंचने पर तथागत राय ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस का कहना है कि कई टीमें बनाकर पटना मोकामा रेल रूट पर जांच की जा रही है। टीटी वगैरह से हम लोगों ने पूछताछ किया है, पेट्रोल वाले से पूछताछ किया है, रेल यात्री से उस बोगी के रेल यात्री से भी बातचीत किया है। कोई भी संदिग्ध यात्री के घूमने टहलने या घुसने की बात अभी तक प्रकाश में नहीं आई। लेकिन एक चलती ट्रेन की AC बोगी से महिला का अचानक लापता हो जाना रेल में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा करता है। राजीव रंजन, Zee Media, कटिहार।